लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के सानपाड़ा में आज विश्व पर्यावरण दिवस पर बीजेपी युवा नेता पांडुरंग आमले ने वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, वरिष्ठ नेता दशरथ भगत, महामंत्री विजय घाटे समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे, जिनके हाथों यहाँ कई ठिकानों पर पेड़ लगाकर पर्यावरण सुरक्षा और संवर्धन का संदेश दिया गया। पांडुरंग आमले ने कहा कि पर्यावरण नष्ट हो रहा है, उसे बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है, इसलिए प्रभाग 76 में वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया। उन्होंने नागरिकों से भी पेड़ लगाने और हरियाली को कायम रखने की अपील की। देखिए रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज सानपाड़ा प्रभाग 76 के बीजेपी युवा नेता पांडुरंग आमले ने वृक्षारोपण अभियान चलाया। इस दौरान पर्यावरण सेवी कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने सानपाड़ा के स्वास्तिक सोसाइटी में पेड़ लगाए। इसके साथ ही वात्सल्य ट्रस्ट के बगल में वृक्षारोपण किया गया। मोराज सोसाइटी के पास पुलिस ग्राउंड पर भी पेड़ लगाकर पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया गया। इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, वरिष्ठ नेता दशरथ भगत एवं महामंत्री विजय घाटे, पुलिस इंस्पेक्टर सुभाष निकम समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। युवा नेता पांडुरंग आमले ने कहा कि बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे के मार्गदर्शन में वे बीते 4 दिनों से विविध ठिकानों पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेड़ जीवन के लिए ऑक्सीजन और प्राणवायु देते हैं और कोरोना काल ने यह साबित कर दिया है कि जीवन के लिए पेड़ लगाना जरूरी है। खरं पाहता पर्यावरण दिनाचं आम्ही हे फक्त निमित्त आहे, पण जागतिक पर्यावरण दिनाचा आम्हाला साजरा करायचा होता, पण गेली 2 महिने आपल्या ह्या आसपासच्या सगळ्या सोसायटीज आहेत यांनी आम्हाला निवेदन दिलं होतं की इथे खूप डेब्रीज झालेलं आहे, इथे कचऱ्याचा अक्षरशः डोंगर तयार झालेला आहे आणि कुठेतरी हे साफ करण्याची आम्हाला त्यांनी विनंती केली होती। परंतु आपला कोरोनाची महामारी असताना लॉकडाऊनसुद्धा चालू होता आणि त्यामुळे आम्हाला काही उपकरणं उपलब्ध होत नव्हती, जशी JCP आम्हाला उपलब्ध होत नव्हते, परंतु आता ह्या 2-3 दिवसापूर्वी आम्हाला ते सर्व उपलब्ध झालं आणि ते झाल्यानंतर आम्ही लगेचच सर्व इथलं डेब्रीज साफ करून इथल्या स्थानिक नागरिकांनीसुद्धा आम्हाला जे दिवस रात्र इथे झाडे लावून त्यांना जगवत आहेत अशा लोकांनी आम्हाला बरीचशी मदत केली आणि त्या सर्वांच्या सहकार्यानेच आम्ही हा प्लॉट फक्त 2-3 दिवसामध्ये डेव्हलप केला आणि खरोखरच गेले 3 दिवस झाले सर्व स्थानिक नागरिक दिवस रात्र इथे काम करत आहेत आणि त्यांच्या या श्रमातूनच हे शक्य झालेलं आहे। हे कोणी एका व्यक्तीमुळे किंवा कुठल्या एका माणसामुळे झालेलं नाही आहे, सर्वांच्या सहकार्यानेच हा प्लॉट खरोखर डेव्हलप झाला आहे। आम्ही एक फक्त निमित्त मात्र आहे आणि जागतिक पर्यावरण दिवस औचित्य साधून आम्ही ह्या प्लॉटचा आज सुशोभीकरणाचं ओपनिंग केलेलं आहे। वही बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत और वरिष्ठ नेता दशरथ भगतने पांडुरंग आमले के पर्यावरण सेवी अभियान की तारीफ की और पेड़ों को ऑक्सीजन के लिए जरूरी बताया। नागरिकों का प्रबोधन करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। वार्ड क्रमांक 76 के कट्टर कार्यकर्ता, लोकभ्यू कार्यकर्ता पांडुरंग आमले साहब ने बहुत बड़ा इशू हाथ में लिया है कि पर्यावरण दिन के इस मौके पर हर जगह पे जहाँ पे बहुत गंदगी थी, जहाँ पे डेब्रिज था और गंदगी को साफ करके एक बहुत अच्छा वृक्ष लगाने का काम पांडुरंग आमले की ओर से हो रहा है। मैं पांडुरंग आमले का आभार व्यक्त करूंगा कि मेरे पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता है जो लोगों के हित का सोचता है और लोगों के हित का सोचने वाला कार्यकर्ता लोगों के साथ रहता है, लोगों के साथ काम करता है। और इस ऑक्सीजन के कम के इस मौके पर आज ये पेड़ लगा के ऑक्सीजन की स्थिति और उससे बेहतर होगी। नागरिकों से मैं कहूँगा कि आपके जो जो प्रॉब्लम होंगे वो सारे प्रॉब्लम आमले साहब के साथ आप शेयर कीजिए और आमले साहब वो काम को अच्छी तरह से ढंग से उसको करेंगे। और अगर आमले साहब से कोई काम बड़ा होता है तो उसके लिए हम लोग बैठे हैं, मैं हूँ, मंदाताई है, नाइक साहब है, हम लोग बैठे हुए हैं। ये सारे इस 76 वार्ड के सारे नागरिकों को मैं एक वर्ड देना चाहता हूँ कि आमले साहब और हम लोग आपके लिए दिन रात काम करने वाले लोग हैं और आने वाले टाइम आमले साहब आपके साथ में रहेंगे। मुंबई में सब जगह पे
समझ में आ रहा है कि क्या पर्यावरण का इम्पोर्टेंस है। आज के तारीख में ओजोन होल हो गया है, सब कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। कोरोना काल में लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है। जब तक हम लोग को फ्री ऑक्सीजन मिल रहा था तब तक उसकी हम लोग को कीमत नहीं थी। तो आज ऑक्सीजन की समस्या है, सबको पता चली है, पर्यावरण की ओर ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ जब मैं वार्ड में काम करता हूँ, लोगों के साथ मिलता हूँ, तब लोग कहते हैं कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव अब तक था वो इलेक्शन के 3 महीने पहले आता था और इलेक्शन के 2 महीने के बाद कहाँ जाता था वो हमको भी पता नहीं है। आज हमको आदमी सामने मिल रहा है कि जो हमारे लिए दिन रात काम कर रहा है करके, और मुझे ये एक मेरे सहकारी करके और अच्छा लग रहा है कि वो पर्यावरण के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जितनी गंदगी है वो हटा के वहाँ पे उन्होंने वृक्षारोपण शुरू किया हुआ है और ये 100% गारंटी है कि ये वार्ड में हर कॉर्नर पे हर गंदगी जगह साफ होगी और वहाँ पे वृक्षारोपण होगा। कि ऑक्सीजन की ज़रूरत कितनी है और कितनी महसूस हो रही है वो हम ये जो महामारी में या कोविड काल में हमने देखा, सुना, कल्पना की। लेकिन हमें इससे पहले हमें कल्पना नहीं की थी कि ऑक्सीजन हमें खरीदना पड़ेगा, ऑक्सीजन शॉर्टेज होगा, ये ऑक्सीजन बाहर का ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा, ये कभी हमें महसूस नहीं किया। इसीलिए आज आमले साहब, उनकी पूरी टीम है, पुलिस स्टेशन की पूरी टीम है, इनकी सबके माध्यम से इस पुलिस स्टेशन प्लॉट के ऊपर हम ये पेड़ लगा रहा है। मेरा कहना है कि ये जो पेड़ है, जो वजह से ऑक्सीजन की निर्मित होती है, पेड़ के बाद में ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन इस साल हमारा ये संकल्प है कि ये जो पेड़ हम तो लगा रहे हैं, वो पेड़ का मतलब ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा रहे हैं हम। ये सिलेंडर हम वहाँ स्थापित कर रहे हैं ताकि उस सिलेंडर से हमेशा ऑक्सीजन मिले। और हमारा ये भी संदेश है कि आज पर्यावरण दिन है, जिनको जिनको आज समय नहीं मिल रहा है वो पूरा साल भर आप वृक्ष की रोपण लगा सकते हैं, वृक्ष लगा सकते हैं और वृक्ष बढ़ा सकते हैं। और पूरा साल भर ये एक उत्सव है, एक महोत्सव है, ये महोत्सव पूरा साल भर करना चाहिए, ये मेरा संदेश है। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रभाग क्षेत्र के स्थानीय नागरिकों ने भी पांडुरंग आमले का साथ देते हुए पेड़ लगाया। नागरिकों ने भी पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाने पर जोर दिया। त्याच्यामध्ये 2-3 दिवसापूर्वी आमले साहेबांनी त्यामध्ये बुलडोजर वगैरे टाकून हे जे रॅबिट साफ केलं आणि हा प्लॉट जो आहे तो अतिशय सुंदर दिसायला लागलेला आहे। म्हणजे खरंच त्यांचं कौतुक जेवढं करावं तेवढं थोडंच आहे। त्याच्यामुळे इथे खूपच चांगल्या तऱ्हेने पर्यावरण शुद्धी पण होईल, छानशी झाडं येतील, पक्षी येतील, माणसं इथे फिरतील, तर हे सगळे पुण्य आमले साहेबांकडेच जाणार आहे। कॉन्ट्रीब्यूशन उनकी तरफ से जो बहुत बड़ा हमें मिला, ये वाकई हम सारे सोसाइटी वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड नाउ वी आर फीलिंग हैप्पी, यहाँ पे हम बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, जो पहले ये फैसिलिटी नहीं थी। इट इज़ सो गुड, आई एम वेरी हेल्प थैंकफुल टू द आमले जी। हा प्लॉट एकदम भयानक अवस्थितीमध्ये होता, इथे लोक डेब्रीज आणून टाकत होती। आज त्यांच्या प्रयत्नांनी त्यांनी ह्या इथे स्वतःच्या खर्चाने आणि सर्व लोकांच्या सहकार्यांनी इथे व्यवस्थित माती वगैरे टाकलेली आणि त्यांनी बरीचशी झाडं आणलेली आहेत। तर आमच्या सब घरकुल सोसायटीतर्फे आम्ही त्यांचे फार धन्यवाद करतो, आभार मानतो त्यांचे। इथल्या नागरिकांना कुठं बसायला जागा नाही, का मुलांना फिरायला जागा नाही, आज आमले साहेबांच्या माध्यमातून हा प्लॉट स्वच्छ झाला। आमची मुलं, आमचे ज्येष्ठ नागरिक इथं बसतील, उठतील आणि खऱ्या अर्थाने आज आमले साहेबांनी पर्यावरण दिन साजरा केला। वृक्षवल्ली आमा सोयरे तुकाराम महाराजांनी म्हणलेलं, आज तो दिन खऱ्या अर्थाने साजरा झाल्यासारखं मला वाटतं। भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं पांडुरंग आमले यांच्या मार्फत व निसर्ग प्रेमी फाउंडेशनच्या वतीनं जो हा झाडे लावण्याचा प्रोग्राम, वृक्षारोपण प्रोग्राम ह्या 2-3 ठिकाणी आयोजित केलेला आहे, ह्या एरियातील सोसायटीच्या रहिवाशांना एक थोडासा दिलासा दिला। सानपाडा वैसे अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे प्लॉट है जहाँ बहुत ही सारी गंदगी थी, जो चलना फिरना जो नागरिक है उनको भी सब तकलीफ थी। तो आज जागतिक पर्यावरण के दिन में जो आमले साहब ने जो काम लिया हाथ में, सच्ची में एक बहुत ही प्रभावशाली रहा है सानपाड़ा के लोगों के लिए और सबके लिए। ये जनहित का काम है, किसी एक का काम नहीं है। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और ऐसा ही काम करते रहेंगे। ये मैं उनको एक शुभ आशीर्वाद देता हूँ।